हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन सिंह। स्वागत है आपके अपने चैनल सुमन किचन में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं ब्रेकफास्ट रेसिपी, बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी इसे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चाहिए और कैसे बनाएंगे। उससे पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बिल्कुल प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है ग्रेट किया हुआ पत्ता गोभी। ये एक कटोरी पत्ता गोभी हमने लिया है और इसे बारीक ग्रेट कर लिया है। एक बाउल लेंगे, उसके अंदर पत्ता गोभी को हम ऐड कर देंगे, डाल देंगे। उसी कटोरी से हमने डेढ़ कटोरी लिया है आटा। तो ये आप आटा देख सकते हैं, आटा को भी हम ये बाउल के अंदर डाल देंगे। आटा ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 3 चम्मच बेसन, 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच इसमें सौंफ ऐड करेंगे। उसके बाद से 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे इसके अंदर, 1/2 टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे, 1 चम्मच इसमें डालेंगे गरम मसाला, 1/4 टेबल स्पून चाट मसाला डालूंगी मैं और 1/4 टेबल स्पून आमचूर पाउडर डालूंगी। उसके बाद से इसमें 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ मैं। अच्छा से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे चाहें तो बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं। इसे अब हाथों से हम बढ़िया से मिक्स करेंगे ताकि जितने मसाले हैं अच्छा से आटे के अंदर मिक्स हो जाएं। तो आप देख सकते हैं हाथों से हमने अच्छा से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी हम डालकर एक डो तैयार करेंगे। यहाँ पर पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो आटा बिल्कुल लूज हो जाएगा। ये तो मीडियम हमें आटा लगाना है, ना तो टाइट लगाना है ना ही ज़्यादा लूज लगाना है। तो इस तरीके से हाथों से मसलते हुए हम इसे डो को तैयार कर लेंगे। यदि आपको जल्दी में पराठे सेकने हैं तो थोड़ा सा चम्मच में 1/2 टेबल स्पून तेल इसमें डाल दीजिए और इस तरीके से मसलते हुए डो को और चिकना कर लीजिए और तुरंत बनाना स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपको कुछ देर रुककर पराठा बनाना है तो 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक कर रख दीजिए, उसके बाद बनाइए, बिल्कुल डो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डो पराठे के लिए रेडी है। चलिए पराठा बना लेते हैं। तो एक छोटा सा पोर्शन हम लेंगे, आप देख सकते हैं इस साइज का लोई हमने लिया है। इसे सूखे आटे में डस्ट कर लेंगे और उसके बाद से इसे पराठे के शेप में हम बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा जैसा पराठा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से डो लें। तो आप देख सकते हैं पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए गैस की तरफ चलते हैं और वहाँ पे अपन तवा या पैन गरम करते हैं। तो यहाँ पे पहले से हमने तवे को गर्म कर रखा है, अब इसके अंदर ऐड कर देंगे पराठे को, डाल देंगे। 1 से 1.5 मिनट सिकने के बाद हम पराठे को पलट लेंगे, दूसरी साइड भी हम 1 से 1.5 मिनट सेकेंगे। उसके बाद से इस तरीके से हम प्रेस करते हुए सेकेंगे ताकि किनारी भी अच्छा से सिक जाए। अब यहाँ पे हमें तेल, घी, बटर, जिस चीज़ से पराठा बनाना है उस चीज़ से हम ऊपर से लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने घी लिया हुआ है और पलट लेंगे। एक साइड घी लगाने के बाद दूसरे साइड भी हम घी लगा लेंगे और पूरे पराठे पे फैला देंगे इस तरीके से। दोनों साइड से हमें पलटते हुए करारी पराठे सेक लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने पराठे को दोनों तरफ से अच्छा से सेक लिया है। अब इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे पराठे को हम सेक लेंगे।
तो आप देख सकते हैं पराठा बनके बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से दूसरे पराठे को हम डालेंगे और आप चाहें तो ऊपर से चिली फ्लेक्स और बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी डालकर एक चम्मच से इस तरीके से प्रेस करते हुए और फिर बनाएं ताकि देखने में और अच्छा लगे। अब आप देख सकते हैं हमने प्लेट लिया है। इसी तरीके से तेल लगाकर इस पराठे को भी हम तैयार करेंगे और ऊपर से इस तरीके से दिखेगा। आप ऊपर जितना ज़्यादा लगाएंगे बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी उतना ही अच्छा दिखेगा। हमने बस बताया है आपको कि इस तरीके से भी आप बना सकते हैं ताकि अच्छा दिखे। तो आप देख सकते हैं सारे पराठे बनके रेडी हो चुका है। चलिए इसे अब सर्व कर लेती हूँ मैं। तो इस तरीके से आप कट करके सर्व कीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और दही चटनी अचार सॉस किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।